नमस्कार दोस्तों, हिंदी 24 में आपका स्वागत है। हम आपके लिख रहे हैं राजस्थान सामान्य ज्ञान के पार्ट 5th क्वेश्चन। शुरू करें इससे पहले, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल पर भी क्लिक करें, जिससे हमारे नए वीडियो नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच के। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करें। किसी भी क्वेश्चन में संशय हो तो कमेंट जरूर दें। आप क्वेश्चन शुरू करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन के वीडियो हम पहले बना चुके हैं और आज शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 201। तेजादशमी को वीर तेजाजी का मेला लगता है, तेजादशमी आती है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी, भाद्रपद शुक्ल दशमी को तेजादशमी आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नांकित में से किस मेले को सहरियाओं का महातीर्थ कुंभ कहा जाता है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी, सीताबाड़ी का मेला शाहबाद बारा में लगता है, इसे सहरियाओं का महातीर्थ कुंभ कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैला देवी का मेला कब लगता है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी, चैत्र शुक्ल पक्ष में। कैला देवी का मेला नवरात्र के दिनों में लगता है। कैला देवी के भक्त लांगुरिया नृत्य करते हैं और वहाँ का लांगुरिया नृत्य प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रणथंभौर का प्रसिद्ध मेला आयोजित होता है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी, भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को रणथंभौर का प्रसिद्ध मेला आयोजित होता है। यहाँ गणेश जी का मेला लगता है। भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को गणेश चौथ भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अजमेर जिले का कौन सा स्थान कोडावार होतली हेतु प्रसिद्ध है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए, भीनाई, ऐसी जगह है जहां कोडावार होली प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, होली के बाद भैया दूज से प्रारंभ होने वाले नहान लोकोत्सव का आयोजन हाड़ोती अंचल में किस स्थान पर होता है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है सी, सांगोद कोटा में नहान लोकोत्सव का आयोजन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देव सोमनाथ मेला किस जिले में भरता है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है डी, डूंगरपुर जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाशिवरात्रि पशु मेला राजस्थान के किस जिले में आयोजित किया जाता है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है बी, करौली में। नेक्स्ट, जोहर मेला कहाँ भरता है। इसका सही आंसर है बी, चित्तौड़गढ़ जिले में जोहर मेला भरता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रावण में कुंवारी कन्याओं के लिए कौन सा त्यौहार आता है। जब वे दिन भर खड़ी रहकर व्रत करती हैं तब रात्रि को चंद्रमा के दर्शन के बाद भोजन करती हैं। इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी, उब छठ। श्रावण में ऐसा त्यौहार है कि इस दिन कुंवारी कन्या पूरे दिन खड़ी रहती हैं और रात को चंद्रमा के दर्शन के बाद भोजन करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाल्या काल्या का मेला आयोजित किया जाता है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ए, अजमेर में। नेक्स्ट, खाटू श्याम जी का मेला हिंदी माह की किस तिथि को प्रारंभ होता है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है डी, फाल्गुन शुक्ला एकादशी द्वादशी को खाटू श्याम जी का मेला प्रारंभ होता है। नेक्स्ट, जलझूलने एकादशी का मेला भरता है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए, चित्तौड़गढ़ जिले में जलझूलने एकादशी को मेला भरता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में भेलों का कुंभ मेला कहलाता है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है सी, बेणेश्वर का शिव मेला राजस्थान में भेलों का कुंभ मेला कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित मेलों एवं उनके आयोजन स्थलों को सम्मिलित करना है। यहाँ पर ये दिए हुए हैं, जिण माता का मेला भरता है सीकर में, भरतरी का अलवर में, करणी माता का बीकानेर में और गणेश जी का मेला सवाई माधोपुर में भरता है। तो इसका करेक्ट आंसर हुआ डी, 4321, जिण माता रेवासा सीकर में, भरतरी का पांडुपुर अलवर में, करणी माता का बीकानेर में और गणेश जी का चौथ का बरवाड़ा बांसवाड़ा में भरता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्वतसर का पशु मेला कहलाता है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी, तेजाजी पशु मेला। पर्वतसर नागौर में तेजाजी पशु मेला भाद्रपद शुक्ल दशमी को भरता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊंट महोत्सव कहाँ आयोजित होता है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए, बीकानेर में ऊंट महोत्सव का आयोजन होता है। नेक्स्ट, बीकानेर का ऊंट महोत्सव किस माह में आयोजित होता है। इसका करेक्ट आंसर है बी, पोष माह में बीकानेर में ऊंट महोत्सव का आयोजन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्री महावीर जी का मेला किस जिले में भरता है। इसका सही आंसर है डी, करौली जिले में महावीर जी का मेला भरता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केसरियानाथ जी के नाम से किस जैन तीर्थकर को जाना जाता है। इसका करेक्ट आंसर है सी, ऋषभदेव को केसरियानाथ जी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट, शीतलाष्टमी कब आती है। इसका करेक्ट आंसर है होली के 8 दिन बाद शीतला अष्टमी अर्थात बाछड़े का त्यौहार मनाया जाता है। नेक्स्ट, राजस्थान में दशहरा मेला कहाँ का प्रसिद्ध है। इसका करेक्ट आंसर है बी, कोटा का मेला, दशहरा मेला राजस्थान भर में प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शीतला माता का मेला कहाँ भरता है।
इसका सही आंसर है बी, चाक्षु में शीतला माता का मेला भरता है। नेक्स्ट, जोधपुर क्षेत्र में शीतलाष्टमी का त्यौहार किसकी स्मृति में मनाया जाता है? इसका सही आंसर है ए, राव शातल देव की याद में शीतलाष्टमी का त्यौहार मनाया जाता है और जोधपुर जिले में राव शातल देव के सेनापति घुरले खां की याद में घुरला त्यौहार मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैनियों का ऐसा कौन सा महत्वपूर्ण त्यौहार है जो चौमासे में एक सप्ताह तक मनाया जाता है? इसका करेक्ट आंसर है सी, पर्युषण पर्व जैनियों का ऐसा त्यौहार है जो चौमासे में भाद्रपद महीने में एक सॉरी सात में सॉरी मतलब भाद्रपद के महीने में एक सप्ताह तक मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुसलमानों के किस त्यौहार के दिन ताजिए निकाले जाते हैं? इसका सही आंसर है बी, मुहर्रम के दिन ताजिए निकाले जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, गधों के मेले के लिए प्रसिद्ध है? इसका करेक्ट आंसर है ए, लुणियावास गधों के मेले के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट, शीतला माता का मेला सील की डूंगरी पर प्रतिवर्ष चैत्र कृष्णाष्टमी को भरता है। सील की डूंगरी किस जिले में स्थित है? इसका सही आंसर है सी, जयपुर जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोनारगढ़ किस श्रेणी का दुर्ग है? तो इसका सही आंसर है बी, धानवन दुर्ग। नेक्स्ट, राजस्थान का जल दुर्ग है? इसका करेक्ट आंसर है डी, उपयुक्त सभी जल दुर्ग हैं, ए गागरौन दुर्ग, बी भैंसरोड़गढ़ दुर्ग और सी शेरगढ़ दुर्ग। सभी दुर्ग राजस्थान के जल दुर्ग हैं, तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोहागढ़ दुर्ग उदाहरण है? इसका सही आंसर है ए, पारिक दुर्ग का। नेक्स्ट, कुंभलगढ़ दुर्ग में स्थित वह दुर्ग जिसे मेवाड़ की आंख कहते हैं? इसका सही आंसर है सी, कटारगढ़ दुर्ग को मेवाड़ की आंख कहा जाता है। नेक्स्ट, बीकानेर के जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया? इसका करेक्ट आंसर है बी, बीकानेर के राव राय सिंह ने जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अन्य सब दुर्ग नंगे हैं जबकि यह दुर्ग बख्तरबंद है, अबुल फजल ने यह वाक्य किस दुर्ग के लिए कहे? इसका सही आंसर है बी, रणथंभौर दुर्ग के लिए अबुल फजल ने ये शब्द कहे। नेक्स्ट, सवाई माधोपुर द्वितीय ने किस दुर्ग में अपने नौ पासवानों के लिए एक जैसे नौ महल बनवाए? इसका करेक्ट आंसर है ए, नाहरगढ़ दुर्ग में सवाई माधो सिंह द्वितीय ने अपने नौ पासवानों के लिए एक जैसे नौ महल बनवाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, गढ़बिटली और राजस्थान का जिब्राल्टर कहा जाता है? इसका करेक्ट आंसर है ए, तारागढ़ अजमेर दुर्ग को गढ़बिटली और राजस्थान का जिब्राल्टर भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मीरान साहब की दरगाह स्थित है? इसका सही आंसर है बी, शेरगढ़ बारा में। नेक्स्ट, मयूर ध्वजगढ़ और गढ़ चिंतामणि कहा जाता है? इसका करेक्ट आंसर है बी, मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर में स्थित है, इसे मयूर ध्वजगढ़ और गढ़ चिंतामणि भी कहा जाता है क्योंकि इस दुर्ग की आकृति मयूर के समान है, इसीलिए इसका नाम मयूर ध्वजगढ़ के नाम से भी प्रसिद्ध है। नेक्स्ट, मीठे साहा की दरगाह स्थित है? इसका करेक्ट आंसर है सी, गागरौन दुर्ग में मीठे साहा की दरगाह स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ढाई साके के लिए प्रसिद्ध दुर्ग है? इसका सही आंसर है ए, सोनारगढ़ दुर्ग ढाई साके के लिए प्रसिद्ध है क्योंकि यहाँ पर दो साके पूरे हुए हैं, तीसरे साके में महिलाओं ने यहाँ पर जोहर किया लेकिन वहाँ पर या वहाँ का शासक है वो युद्ध जीत गया था, इसीलिए साका तीसरा साका पूरा नहीं हुआ। नेक्स्ट, राजस्थान का वेल्लोर कहलाता है? इसका करेक्ट आंसर है बी, भैंसरोड़गढ़ दुर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंदिरा गांधी ने आपातकाल के दौरान खजाना ढूंढने के लिए जिस दुर्ग में खुदाई करवाई वह है? इसका सही आंसर है ए, जयगढ़ दुर्ग की इंदिरा गांधी ने आपातकाल के दौरान खजाना ढूंढने के लिए खुदाई करवाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 84 खंभों की छतरी स्थित है? इसका सही आंसर है बी, बूंदी में। नेक्स्ट, मुंशी महारानी की छतरी स्थित है? इसका करेक्ट आंसर है सी, अलवर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किपलिंग ने परियों व देवताओं द्वारा निर्मित दुर्ग किसे कहा है? इसका सही आंसर है बी, मेहरानगढ़ दुर्ग को किपलिंग ने परियों व देवताओं द्वारा निर्मित दुर्ग कहा है। नेक्स्ट, रेगिस्तान का जल महल कहा जाता है? इसका करेक्ट आंसर है बी, बटाडू का कुआ बाड़मेर को रेगिस्तान का जल महल कहा जाता है। नेक्स्ट, चौकी बावड़ी व बाईराज की बावड़ी स्थित है? इसका सही आंसर है बी, बनेड़ा भीलवाड़ा में चौकी बावड़ी व बाईराज की बावड़ी स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जगन्नाथ कछुआहा की छतरी स्थित है? इसका सही आंसर है सी, मांडलगढ़ भीलवाड़ा में।
नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन, तीरिया तेल हमीर हट चढ़े न दूजी बार, यह दुर्ग किस दुर्ग के शासक से संबंधित है? इसका सही आंसर है ए रणथंभौर दुर्ग की शासक हमीर के लिए यह कहा गया है, तेरिया तेल और हमीर हट चढ़े न दूजी बार, कि हमीर का हट इतना अटीला था, इतना मतलब वो अपनी बात पर अटल रहते थे कि उसके लिए ये कहावत कही गई है। ये थे हमारे 200 से 250 क्वेश्चन, सामान्य ज्ञान क्वेश्चन भाग 5। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा और किसी भी क्वेश्चन में संशय हो तो कमेंट जरूर दें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करें। यदि आप इन क्वेश्चंस का PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहाँ से आप सीधे विजिट कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।